भले ही प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के दावे होते हो, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। 500 करोड़ की लागत से बना अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इसकी वानगी है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से खोले गए मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं इस कदर हैं कि मेडिकल कॉलेज के जनरेटर में डीजल तक नहीं। वहीं सरकार के निर्देश के बाद मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा की 6 लाख से ज्यादा की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के दावे कर यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया। 2 साल पहले इसका संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन लोगों को बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से निजात नहीं मिल पा रही। कुछ ऐसा ही आलम अल्मोड़ा मेडिकल से संबंध बेस अस्पताल में देखने को मिला। कुछ घंटे बिजली व्यवस्था बाधित क्या हुई, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं के दावों की हवा निकल गई। अस्पताल में पहुंचे मरीज और उनके तीमारदारों ने बताया कि सुबह जब वो पर्ची काउंटर में पहुंचे तो उनकी पर्ची नहीं बनाई गई। अस्पताल के कर्मचारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जनरेटर में डीजल नहीं होने की बात कही। मरीजों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। बाद में मरीजों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में डीजल की व्यवस्था की गई, जिसके बाद विद्युत व्यवस्था सुचारू हुई, तब जाकर मरीजों की पर्ची बनी, जिससे दूर दराज क्षेत्रों से आए मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ सुमसर से आए हैं, यहाँ 1-1.5 घंटा तो हो गया ऐसे ही, और कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। कभी कह रहे लेट नहीं है, कभी कह रहे हो नहीं है, कभी ये है। क्या बोल रहे लोग कह रहे हैं लेट नहीं है, और कोई अंदर से अपना पर्चा कटवा के लिया रहा है, और कोई लाइन में लगे हैं 1.5 घंटा वैसे ही हो गया। इधर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री थामी व उनके मंत्री अल्मोड़ा आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जनरेटर चलाने के लिए डीजल तक नहीं। उन्होंने बताया कि वो खुद मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ के फ्रैक्चर का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज जिससे बहुत बड़ी आशा है यहाँ की जनता को, मैं समझता हूँ पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को थी, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें और यहाँ हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के भी और यहाँ के मंत्रीगण बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखा जा रहा है कि बिजली सुबह से बिजली नहीं है, और बिजली नहीं होने पर इनके जनरेटर के लिए तेल की व्यवस्था नहीं है। बहुत ऐसी अन्य मामले में देखा जा रहा है कि कई मरीजों को रिफर कर दिया जा रहा है, यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर पूरे उपलब्ध नहीं है। ऐसा मेडिकल कॉलेज मैं भी मरीज को देखने के लिए इस मेडिकल कॉलेज पर यहाँ पर पहुंचा तो मुझे कई मरीजों द्वारा मालूम चला कि सुबह से बिजली नहीं है, अभी अभी जनरेटर चला है, और यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ के अधिकारी ने बताया कि जनरेटर के लिए तेल की व्यवस्था उचित नहीं है। वैसी मरीज को अभी किसी हाथ में जिसका फ्रैक्चर है उसके ऑपरेशन की यहाँ व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी इनको मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को रिफर किया जा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो मेरा मांग है, मेरा इस उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मांग है कि यह मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज जिससे बहुत बड़ी आशा है यहाँ की जनता को है, इसमें तुरंत इसकी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की जाए। वही इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि बेस अस्पताल में बिजली नहीं होने पर जनरेटर से व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार क्या समस्या हुई उन्हें इसकी जानकारी नहीं। इस बारे में वो जानकारी जरूर लेंगे। मरीज को रेफर करने के सवाल पर उन्होंने बताया कि औरतों के ओटी हैंडओवर नहीं होने के चलते ये दिक्कत होती है। जैसे ही औरतों की ओटी हैंडओवर हो जाएगी तो फिर मेजर ऑपरेशन यहीं पर शुरू किए जाएंगे। अगर सपोज अगर लाइट नहीं होती है तो हमारा जनरेटर चलता है, इस तरह की क्या प्रॉब्लम हुई ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, पर जो ऐसे डीजल की कमी तो नहीं रहती है, हमेशा हमारे पास में रहता है। अब ओपीडी में क्या दिक्कत हुई इसके बारे में मैं अभी पता करूँगा। उसमें थोड़ा सा अभी हमें दिक्कत है, बाकी हमारे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑर्थो के जो मेजर ऑपरेशन है उसके लिए जो ऑर्थो की हमारी ओटी है वो अभी हैंडओवर होनी है हमें, जैसे ही वो हमें हैंडओवर हो जाएगी तो फिर हम जो है जो मेजर ऑपरेशन है वो भी करने स्टार्ट कर देंगे।